अय्यूब 25वां बाब। तब बलदिद सोखी ने जवाब दिया, इक्तदार और दबदबा उसके साथ है, वो अपने बुलंद मुकामों में अमन रखता है। क्या उसकी फौजों की कोई तादाद है, और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर रास्त ठहर सकता है? या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? देखो, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदम जात का जो सिर्फ किरम है, क्या जिक्र?